प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मेरा नाम समाधान निम्भोरे है, मैं पुणे से आया हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि मैं लगभग 8 सालों से साधना कर रहा हूँ, तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है, मतलब कैसी साधना की। लगभग 7.5 साल तक मैंने एक वैदिक मंत्र का जाप किया लगभग रोज। किस मंत्र का? वैदिक मंत्र है। वैदिक मंत्र का सात्विक मंत्र है, उसका लगभग 20 से 25 मिनट या आधा घंटा तक रोज जाप करता था और त्रिबंध प्राणायाम करता था, 60 सेकंड अंतकुंभक, 40 सेकंड बाह्यकुंभक, ऐसा हर रोज करता था लगभग 7.5 साल तक। उसके बाद जैसे ज्ञानवर्धक जो ग्रंथ है वो भी पढ़ता था, जैसे योग वशिष्ठ हो, और सेवा भी करता था, मतलब जैसी ऐसे संतों की जैसे है बाकी के ऐसे महात्मा के। तो पहले पहले तो कुछ उसमें ज्यादा मतलब 7.5 सालों तक ऐसा ही रहा। जैसे जैसे 1-2 साल हो गए तो मेरा मन इसमें ज्यादा मतलब अध्यात्म में ज्यादा डूबने लगा। उसके बाद धीरे धीरे संसार से थोड़ा थोड़ा मन ऐसा उपराम होने लगा और बाद में जब तक मैं 7.5 साल हो रहे थे तब तक कुछ नहीं हुआ, मतलब क्रियाएं वगैरह ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। 7.5 सालों के बाद मेरे प्राण ऊपर जाने लगे और उससे अपने आप आंखें ऊपर होने लगती थी, तो कभी कभी उसके बाद अश्विनी मुद्राएं भी होती थी और उड़ियान बंद भी लगते थे, मतलब अभी 6 महीने से ऐसा हो रहा है। तो उससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी भी आपने भी कहा था कि ध्यान लगता है क्या नहीं, मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या हो रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी अवस्था क्या है ऐसा। आपने ही कहा कि प्राण ऊर्ज होता है, ऐसा ही तो कहा? हाँ। आपने कहा कि उड्डयन बंद लगता है? हाँ, यही तो कहा ना, उड्डयन बंद लगता है। तो फिर आप क्या जानना चाहते हैं कि ध्यान लगता है कि नहीं? अगर उड्डयन लग रहा है और आपका प्राण भी ऊपर जा रहा है, आप जैसा कि स्वयं आप ही बता रहे हैं, तो इसका अर्थ मैं क्या लगाऊं कि ध्यान नहीं लगता है? अगर ध्यान नहीं लगता तो प्राण ऊर्ज कैसे होता, उड्डयन बंद कैसे लगता? मैं इसके बारे में ये जानना चाहता हूँ कि ये अपने आप होते, मतलब जब मैं ध्यान पे बैठना चाहता हूँ तब नहीं होता है, लगभग ये दिन में कभी भी होता है, मतलब ऐसा ये सही है या उसमें पता नहीं चलता। मैंने बाकी के ऐसा मार्गदर्शन लेना चाहा इधर उधर, लेकिन मेरा कोई ऐसा समाधान नहीं हो सका। कोई बोल रहे थे कि ये गलत हो रहा है, कोई बोल रहा है कि पागल भी हो सकते हो तुम। किस चीज में पागल हो सकते है, ऐसा क्या होता है, क्या हो रहा है? जब मैं प्राण ऊपर जा रहा था तब ऐसा लगता था कि मैं सब इंद्रियों का स्वामी हूँ और ऐसा लगता था कि दुनिया में कोई चीज नहीं चाहिए और सब उसमें तृप्त हो, जो चाहे उसमें तृप्त हो। लेकिन जब वो नीचे आ जाते थे तो उसके बाद 1-2 घंटा तक मेरा मन मतलब समझ में नहीं आ रहा था बाकी की बातें जो समाज के कुछ ऐसा। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा मन लगा, मतलब समझ में आ रहा था। और उसके बाद सांसारिक चीजों में भी पहले जितना आसक्ति नहीं थी उतने उससे ज्यादा सब विकार मुझे दिखने लगे अपने ही। आप प्रश्न को बहुत लंबा कर रहे हैं, आप संक्षेप में बोलो कि आपका प्राण ऊपर जाता है। अरे ऊपर जाता है तो आप अंतर्मुखी होते हैं, जब अंतर्मुखी होने का मतलब क्या हुआ कि सांसारिक जो आसक्ति है थोड़ी कम हो जाती है, साफ जाहिर है कि अंदर की प्रसन्नता बढ़ती है। फिर जब आप बहिर्मुखी होते प्राण नीचे आता है तो आ सकती होगी कुछ क्षणों के बाद, जो हो रही है आपको क्रिया सही हो रही है, तो मैं क्या बताऊं, वो तो सही हो रही है। और किस कारण से कहते हैं कि पागल हो जाएगा, तो ये तो समाज है, ऐसे कौन से लक्षण है जो आप पागल की तरह, यानी आप क्योंकि मैं ऐसा अकेला
अकेला मतलब रहना भी मेरा अभी अकेला अपने आप खो गया है, और ज्यादा बात नहीं मतलब अच्छा ही नहीं लगता, और मुझे ज्यादा रस नहीं आ रहा है मतलब ऐसा। तो आपने कभी आध्यात्मिक किताबें पढ़ी हैं? हमारी पढ़ी है नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ी, दो ही पढ़ी है। कौन कौन सी पढ़ी है? त्राटक और प्राण तत्व की, वो भी आदि होगी। अच्छा, त्राटक और प्राण तत्व पढ़ा है। हाँ, आश्रय ध्यान योग और दूसरे नहीं पढ़ी, वो पढ़ती तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उसे मिल जाता। जब साधक अंतर्मुखी होता है तो संसार के प्रति उसका लगाव कम हो जाता है, जब बहिर्मुखी होता है उसका लगाव हो जाता है, बस। और मेरा मतलब मेरे जो कार्य है मतलब भौतिक जो कार्य, वो ऐसे एक मानो ऐसे ठप्प से हो गए है ऐसे, मतलब उसमें अपना जो कार्य है उसके लिए एनर्जी अंदर से निकलती ही नहीं, तो ये इससे मतलब ये क्या समझूं मैं ऐसा। तो एनर्जी अंदर से नहीं निकलती, इसका कारण योग नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति कमजोर बनती होगी। क्यों नहीं आपकी इच्छा होती है कि बाहर का कार्य करें, अपने आप को स्वयं को यानी निर्णय करिए कि हमारी यानी इच्छा नहीं चल रही, यानी आपकी इच्छा नहीं चल रही, कोई दूसरी इच्छा दूसरा व्यक्ति इच्छा नहीं चलाएगा, आपको स्वयं सोचना है कि हमें काम करना है तो करना है थोड़ी देर के लिए। अगर आपको सुबह 5 बजे जागना है, आप 4 बजे जाग गए और चार पाई या पलंग पर लेटे हुए हैं, चद्दर ओढ़े सोचते मैं 6 बजे जगूंगा, उठूंगा, कौन उठे, जरा थोड़ा और सो लूं, तो ये समझाने कोई दूसरा नहीं आएगा, आपको स्वयं समझना होगा कि 4 बजे के लिए सोचा है तो या 5 बजे के लिए सोचा है तो हमें 5 बजे उठ के खड़ा हो जाना पड़ेगा, हमें आलस्य में नहीं रहना पड़ेगा, स्वयं अपने आप को ऐसा सचेत बनाना होगा कि ये आलस्य दूर हो जाए। जो इच्छा नहीं चल रही है, इच्छा को चलाना ही होगा कि हमें कर्म करना है, ऐसा नहीं होता है, नहीं तो फिर तो आलसी या अकर्मण्य कहे जाएंगे अगर हम कर्म नहीं करेंगे। ये चित्त की या जो विचार है नेगेटिव सोच होती है, अथवा चित्त में कुछ ऐसा तमोगुण होता है जो अवरोधक होता है, जो ऐसी इच्छाएं नहीं चलने देती या अवरोधक है, तो यानी आपको स्वयं अपने आप को स्वयं सोचना है, निर्णय करना है, और जो बुद्धि निर्णय करे उसी की तरह माननी है हठपूर्वक, नहीं तो ऐसे तो ये शरीर मन और प्राण सिर्फ आराम ही चाहता है, ये नहीं किसी का शरीर मन और प्राण ये नहीं चाहता है कि हम अध्यात्म पर चलें। शरीर को सुख चाहिए, मन की इच्छा होती बस बाहर की ओर भागता जाए, घूमे फिरे इधर उधर पदार्थों की ओर लालायित रहता है। प्राण तो क्यों रुकने का पसंद करेगा, जैसा एक सामान्य क्रिया हो रही है, यानी अंदर बाहर श्वास प्रश्वास हो रहा है, ऐसा चलता रहे। जब आप नाक बंद करते कुंभक लगाएंगे तो प्राण क्या सोचेगा कि अच्छी बात हो रही है, नहीं हो रही उसके लिए, अर्थात हमें उसकी नहीं मानना है, अपना निर्णय करके अपना काम करना है, ठीक है। क्योंकि आपका प्रश्न नहीं लंबा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेम्बर टू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।